हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑल टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट माइकोप्लाज्मा इट इज़ आल्सो नोन एज पी पी एल ओ लाइक ऑर्गेनिज्म फर्स्ट वी विल सी द डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ प्रो टाइप ऑफ सेल मीन्स सबसे छोटी सेल और छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दुनिया में ये माइक्रोप्लाज्मा है इट इज यूनिसेलर कंटेनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीएनए आरएनए एंड मेटाबॉलिक मशीनरी मीन्स सेल के अंदर आपको डीएनए मिलेगा आरएनए मिलेगा पर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं मिलेगा जिसके चलते ये प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल रहेगी और मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए मेटाबॉलिक मशीनरी होगी जिसके कारण ये ग्रो करेगा और मल्टीप्लिकेशन भी विदाउट होस्ट करता है मीन्स इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि कैपेबल ऑफ ऑटोनामस ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ इनमें मेटाबॉलिक मशीनरी है और एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन भी होगा इनमें और मेटाबोलाइट्स होंगे जिसके चलते ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इट इज़ ऑल्सो कल्चर्ड इन विट्रो मतलब इट कैन बी कल्चर्ड इन विट्रो मीन्स आप बैक्टीरिया के समान इसको लैब में कल्चर कर सकते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में जबकि वायरस को लैब में कल्चर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऑब्लीगेट इंट्रा सेलर पैरासाइट है तो माइक्रोप्लाजमा को जब आप कल्चर करेंगे तो वहाँ पर लेब में आपको प्लियोमार्फिक टाइप की कॉलोनी दिखाई देगी मतलब बहुत प्रकार की मार्फोलॉजी वाली कॉलोनी दिखाई देगी और डिपेंड करता है कल्चर पर मीन्स यहाँ पर जो कल्चर मीडिया बनाएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की कॉलोनी बनना है और कल्चर में स्टीरॉल का होना बहुत ज़रूरी है तो जो कुछ कॉलोनीज बनेंगी फ्राइड एग के समान रहेंगी स्प्राइड टाइप की ब्रांचिंग रहेंगी फिलामेंट ब्रांच टाइप की दिखाई देंगे हालांकि सेलुलर है ये और स्टीलेट टाइप की रहेगी ये रेगुलर टाइप की मतलब ये वेरियस टाइप की कॉलोनी दिखाई देगी इसीलिए माइक्रोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा गया है ध्यान रहे क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेल वाल नहीं पाई जाती और सेल वाल नहीं पाए जाने के कारण इनका डेफिनेट सेप नहीं होता और जब डेफिनेट सेप नहीं होगा तो ये आपके जोकर कहलाएंगे प्लांट किंगडम के और प्लियोमार्फिक इन नेचर है जो यहाँ लिखा नहीं गया है इसको आप लोग लिखेंगे कि सेल वॉल इज नॉट फाउंड दैट्स वाई दे आर सेप एंड इज नॉट डेफिनेट एंड नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूज इन्फेक्शियस डिसीजेज मतलब संक्रामक रोग पैदा करते हैं ये पर्टिकुलरली एनिमल्स में और ह्यूमन्स में ऑल्सो प्लांट में भी अटैक करेंगे तो ये प्लांट पैथोजन के रूप में भी रहेंगे और एनिमल पैथोजन के रूप में भी आपको दिखाई देंगे बट दे आर मोस्टली फ्री लिविंग स्वतंत्र जीवी हैं ये सेप्रोफेटिक नेचर है वैसे इनका सीवेज में आपको मिलेंगे सॉइल में मिलेंगे और कंपोज में मिलेंगे मतलब जहाँ पर भी गंदगी रहेगी भूमि में भी मिल सकते हैं और खाद वाद जहाँ बनता है वहाँ पर भी माइक्रोप्लाज्मा पनप सकते हैं तो बट दे में भी पैरासाइट पैरासाइट भी हो सकते हैं यदि होस्ट प्रेजेंट है और इजिली प्रेजेंट है तो उस पर ये अटैक करेंगे और पैरासाइट होंगे बट इनका जो नेचर है वो सेप्रोफेटिक रहेगा होस्ट नहीं है तो भी सर्वाइव करेंगे और ग्रोथ करेंगे मतलब वायरस के समान ये ऑब्लिगेट नहीं है ध्यान रहे डायमीटर देखेंगे तो इसका डायमीटर बहुत ही छोटा है जीरो पॉइंट टू फाइव टू ज़ीरो वन मतलब जीरो पॉइंट टू पाँच दो पाँच से लेके जीरो पॉइंट एक तक रहेगा मीन्स वेरी स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स नहीं करने ठीक है इस प्रकार से माइक्रोप्लाज्मा के बारे में ये आपको बेसिक जानकारी या डिस्टिंग करेक्टर कर बताया जाए इसके बाद आपको आगे ले चलते हैं और अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताया जाए तो इसमें ज़्यादा ना देते हुए आपको बताना है कि दे वर डिस्कवर्ड बाई नोकाड एंड रॉक्स इन 1898 1898 में नोकाड और रॉक्स ने देखा इनको जब वो स्टडी कर रहे थे कैटल के बीमारी के बारे में तो एक कैटल था जो प्ल्यूरोनिमोनिया निमोनिया के द्वारा सफ़र कर रहा था तो पहले तो उनको बैक्टीरिया के द्वारा जो इलाज किया जा रहा था बैक्टीरिया के द्वारा जो निमोनिया होता है उसके बेस पे इलाज किया जा रहा था तब कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी और कैटल ठीक नहीं हो पा रहा था तब उन्होंने इनके प्लूरल फ्रूट को निकाला और पाया कि वहाँ पर निमोनिया पैदा करने वाले जीव तो नहीं है बैक्टीरिया है नहीं बल्कि कुछ बैक्टीरिया से अदर देन बैक्टीरिया कुछ वहाँ दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार से डिसीज का नाम भी उन्होंने प्लूरोमोनिया कर दिया और ये बताया कि उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के नए टाइप के आपको माइक्रोब दिखाई दिए जिनको उन्होंने नाम दिया पी पी एल ओ प्लियो निमोनिया लाइक आर्मिनियम सिम्टम्स ये था कि लंग्स में इन्फ्लेमेशन आ गया था और फ्लूड जो है वो प्लूरल फ्लूड था जो कि जनरली वार्म ब्लडेड एनिमल्स में देखने को मिलता है तो इस प्रकार से बैकग्राउंड ये था इनका इसके बाद लेटर ऑन नोवाक के द्वारा इनका नामकरण माइक्रो में किया गया तो सबसे पहले पी पी एल ओ के नाम से जाना जाता था देन एम एल ए के नाम से जाना गया मतलब एम एल ओ माइक्रो प्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम और अल्टीमेटली लेटर ऑन माइक्रो प्लाज्मा के नाम से इसको जाना जाने लगा नोवाक के द्वारा अब बात यह आती है कि माइक्रो प्लाज्मा को किस स्थिति में रखा जाए तो माइक्रो प्लाज्मा इज सपोज टू बी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया बैक्टीरिया और वायरस के बीच में माइकोप्लाज्मा को रखा जा सकता है और देखिए वायरस इधर है और हमने राइट साइड में बैक्टीरिया लिया है तो बैक्टीरिया ही एडवांस देन माइकोप्लाज्मा और वायरस की तुलना में माइक्रो प्लाज्मा ज़्यादा एडवांस है क्योंकि माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है मान के चलिए और वायरस जो हैं इनका नेचर तो मैंने पहले ही बताया आप लोग को कंट्रोवर्शियल है दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस जो हैं विदाउट सेल होती हैं मतलब दे आर ना इधर प्रोकरियाटिक नार यू करियाटिक किसी प्रकार की सेल नहीं जबकि माइक्रोप्लाज्मा जो है वो और बैक्टीरिया दोनों प्रोकरियाटिक टाइप की सेल्स हैं दोनों में अंतर ये है कि ये माइक्रो प्लाज्मा टोटली नॉन मोटाइल होगी जबकि बैक्टीरिया में दोनों प्रकार के बैक्टीरिया मिलेंगे मोटाइल और नॉन मोटाइल बट अंतर यह है दोनों में कि बैक्टीरिया जो हैं दे आर ग्रेटर इन साइज टू माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा आर यू कैन से माइको प्लाज्मा आर माइनूट देन बैक्टीरिया एंड दे क्रॉस बैक्टीरियल फिल्टर मतलब बैक्टीरियल फिल्टर को माइको प्लाज्मा क्रॉस कर जाएंगे और वायरस भी क्रॉस कर जाएंगे ध्यान रहे कि बैक्टीरिया में सैलवाल पाई जाएगी और माइक्रो प्लाज्मा में सैलवाल नहीं पाई जाएगी और वायरस में तो सेल ही नहीं होती इस प्रकार से ये बेसिक जानकारी आपको दी गई इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात कर लें थोड़ी सी तो इसमें यह है कि ये दे आर मोस्टली पैथोजेनिक पर्टिकुलरली माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो स्पेसीज है माइकोप्लाज्मा की ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ आपको पैदा करेगी और चूँकि यू आर स्टूडेंट ऑफ बॉटनी इसलिए प्लांट पैथोजन के बारे में ज़्यादा जाने कि नेम ऑफ डिसीज कौन कौन से होस्ट होंगे तो होस्ट यहाँ पर ब्रिंजल मतलब भट्टा बनाना साइट्रस सैंडल और कॉर्न मतलब मक्का ये तो होस्ट हो गए इसके बाद जो डिसीज का नाम है डेट विल बी लिटिल लीप ऑफ डिसीज बंची ऑफ बनाना साइट्रस ग्रीनिंग सैंडल स्पाइक एंड कॉर्न स्टैंड और नाम में ही आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहा है जैसे लिटिल लीव मतलब यहाँ पर आप जाएंगे जब खेतों में तो भट्टे की जो पत्तियाँ हैं वो छोटी होने लगेंगी साइज में और जिसके चलते फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी या प्रोडक्शन कम हो जाएगा फिर केले के पौधे को देखेंगे तो बंची टॉप रहेगा ऊपर में गुच्छे आ जाएंगे एकदम से बंची टाइप हो जाएगा साइट्रस में आपको ग्रीनिंग दिखाई देगी कॉर्न का जो पौधा रहेगा मक्के का वो बौना हो जाएगा स्टंट माने बौना हो जाएगा मतलब इंटर नोट की साइज जो है वो कम हो जाती है तो ये तमाम सिम्टम्स दिखाई देंगे और इसके जो माइक्रोप्लाज्मा के जो सेल्स हैं वो आपको प्लांट के फ्लोयम में मिलेंगे सीप ट्यूब्स में यहाँ पर दिखाई देंगे और मतलब साइट ये हो गया लोकेशन और दे आर ग्राम निगेटिव एंड दे आर एनारोब्स मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे दैट्स वाई इट इज़ एनारोब्स एंड दे आर ग्राम निगेटिव और साइट फ्लोएम साथ में ध्यान रहे कि इसमें प्लाज्ड्स वगैरह और मीजोम्स वगैरह नहीं पाया जाता सेल्स में प्लाज्मिट्स नहीं मिलेगा और ना ही मीजोम्स मिलेगा इस प्रकार से ये हो गया इसके बाद अब बैक्टीरिया से अंतर देखिए तो बैक्टीरिया से अंतर ये है कि दे आर फ़िल्ट्रेबल थ्रू दी बैक्टीरियल फिल्टर मैंने पहले बताया था बिकॉज़ दे आर माइनूट देन बैक्टीरिया तो हमेशा याद रखिए कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये बैक्टीरियल फ़िल्टर को क्रॉस कर जाएंगे डायमीटर मैंने यहाँ लिख भी दिया है फिर से 0.25 से 0.1 मिली माइक्रॉन फिर दूसरा यह है कि माइको प्लाज्मा डो नॉट कंटेन सेल सेलवाल एंड मीजोम्स एंड प्लाज्मिक्स मतलब माइको प्लाज्मा में ना तो सेल सेलवाल होगी ना मीजोम्स होंगे ना प्लाज्मिक्स तो कुछ नहीं पाया जाता लाइक द दायरसेज एंड एनिमल सेल्स मतलब वायरस और एनिमल सेल के समान दे आर रजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन पेनिसिलिन के प्रति ये प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं मतलब पेनिसिलिन का प्रभाव माइको प्लाज्मा पर नहीं पड़ता क्योंकि पेनिसिलिन जो होता है वो सेल वाल को अटैक करने वाला एंटीबायोटिक और यहाँ चूंकि वाल नहीं है दैट्स वाई दे आर रजिस्टेंट टू दी पेनिसिलिन तो यहाँ पर यदि आपको ग्रोथ चेक करना है माइक्रोप्लाज्मा की तो आर ग्रोथ इज इन्हैबिटेड बाई टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दैट एट मेटाबोलिक पाथवे तो जब टेट्रासाइक्लिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के घोल से आप इन्फेक्टेड पार्ट को डुबो उसमें डिप करेंगे तो होता यह है कि माइको की जो मेटाबॉलिक मशीनरी है वो डैमेज हो जाएगी और जिसके चलते उसकी ग्रोथ रुक जाएगी ख़त्म हो जाएगी इस प्रकार से ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन बैक्टीरिया एंड आपके माइको में अब स्ट्रक्चर की बात कर लें तो सबसे पहले आपको फोटो दिखाते हैं देखिए ये ये माइको की सेल है बहुत छोटी होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इसका अध्ययन किया जा सकता है या उसी में दिखाई देती है तो देखिए यहाँ पर सबसे आ, आ, आउटर मोस्ट लेयर जो है इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लाइपो प्रोटीन की बनी हुई है तीन लेयर दिखाई दे रहे हैं आपको तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि लाइपो प्रोटीन की बनी हुई है इसके बाद देखिए यहाँ पर आउटर साइड में किसी प्रकार की सेलवाल नहीं है सेलवाल इज नॉट फाउंड और इसके अंदर आपको एक डी दिखाई दे रहा है डबल हेलिक्स का जो थ्रेड लाइट दिखाई दे रहा है लंबा सा इस प्रकार से और इसके अंदर आर भी रहेंगे जो सॉलोबल रहेंगे सॉलोबल प्रोटीन रहेगी सालूबल आर रहेंगे इस प्रकार से ये देखिए और इसके अलावा ये तमाम राइबोजोम्स मिलेंगे बहुत सारे राइबोजोम्स रहेंगे जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा डीएनए सराउंडेड है और में दिखाई दे रहा है बारिक सा इस प्रकार से तो स्ट्रक्चर के मान से देखें तो कोई विशेष बात नहीं है बस इतना लिखना है आपको ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं है और इसके बाद इसमें लिखें कि सेल जो है स्फेरिकल है और इट इज़ बाउंडेड बाई मैंने पहले बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लाइपो प्रोटीन की बनी है विदाउट सेल वॉल दैट्स वाई देयर सेप इज़ नॉट डेफिनेट इसलिए इसका सेप निश्चित नहीं होगा और प्लियो होगी एंड इट इज आल्सो कार्ड मैंने पहले बता दिया है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम के जोकर कहलाते हैं इंटरनली देखें तो यहाँ पर कंपोजिशन में मोर आर लेस डिफ्यूज अधिक या कभी कम विस्तृत रहेगा अंदर का पदार्थ और इसके अंदर मैंने पहले ही बताया डबल हेलिक्स अब डी एन ए हैं राइबोजोम्स मालिक्यूल्स हैं डी एन ए लीनियर रहेगा सिंगल रहेगा और सर्कुलर टाइप का रहेगा हेलिकल रहेगा न्यूक्लियर रीजन जो है इट इज़ सराउंडेड बाई फिफ्टी टू हंड्रेड ऑफ राइबोज मतलब पचास से लेकर सौ राइबोजोम्स के, राइबो के द्वारा न्यूक्लियर रीजन घिरा रहेगा और न्यूक्लियर रीजन का मतलब डी एन ए आर एन ए जो रहेंगे वो तमाम जो रहेंगे वो पचास से सौ राइवोजोम के द्वारा सराउंडेड है जो कि सेवेंटी एस का राइवोजम होगा ध्यान रहे सत्तर एस का और इसके अलावा इसके अंदर वैक्यूल्स एंड ग्रेन्यूल्स भी पाए जाएंगे मतलब वेराइटी ऑफ साइटोप्लाजमिक इंक्लूजन्स जस्ट लाइक सच एज सॉरी वैक्यूल्स एंड ग्रेन्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट फिर ध्यान से जब देखेंगे तो एट वन साइड ऑफ सेल ब्लैब इज प्रेजेंट ब्लैब रहेगा मतलब एक स्वेलिंग रहेगी जिसके अंदर फ्लूड रहेगा लोकेलाइज कलेक्शन रहेगा फ्लूड का वहाँ पर कलेक्शन रहेगा इस प्रकार से रहता है से इस प्रकार से ये ये माइक्रोप्लाजमा भी ये ब्लैब होगा यहाँ पर फ्लूड कलेक्ट रहेगा ये इस प्रकार से ब्लैब है इसके बाद ये चित्र बता दिया गया है पहले ये एक और चित्र है जिसको थोड़ा डार्क कर दिया गया है इसमें देखिए लाइपोप्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन है राइबोजोम्स हैं और सालूबल आर एन ए सालुबल प्रोटीन मेटाबोलाइट्स और मेटाबोलाइट्स में तमाम एंजाइम्स रहेंगे जिसके चलते ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया यहाँ होगी ध्यान रहे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा मतलब ई एम पी पाथवे होगा इसमें बट माइटोकांड्रिया नहीं पाई जाती इसके चलते यहाँ पर क्रैप साइकिल वगैरह ई टी एस सिस्टम नहीं पाया जाएगा मतलब मेटाबोलिक मशीनरी के चलते ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और प्रोटीन का सिंथेसिस भी होगा इनके अंदर बिकॉज ऑफ राइबोजोम्स तो इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा है माइक्रो प्लाज्मा का डाइग्राम देन नेक्स्ट ये देखिए जो चित्र बताना चाह रहा था मैं ये ब्लैब है स्पेलिंग आ गई है एक एक साइड में यहाँ पर फ्रूट कलेक्ट हो जाता है और ये राइ ये देखिए पूरा डी है ये सब और ये डी सराउंडेड किसके द्वारा आपके राइवोजोम्स के द्वारा और यहाँ पर वैक्यूज दिख रही है और ग्रैन्यूज दिख रहा है और पूरा के पूरी बॉडी देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ है तो ये टिपिकल पी सेल का एक पिक्चर लिया गया है जिसमें आपको वैक्यूल्स ग्रैन्यूल्स डी एन ए आर एन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोजोम ब्लैप सब दिखाई दे रहा है इस प्रकार से आप देखिए ये सेब बदलता जा रहा है माइक्रो प्लाज्मा का ये आपका बहुत सारे सेल की कॉलोनी है ये सेल को जब देखेंगे अलग से तो आपको इस प्रकार से सेल कभी इस प्रकार का कभी इस प्रकार का तो कभी फिलामेंटल कभी ब्रांच, कभी स्टॉर सेब इस प्रकार से दिखाई दे रहा है तो ये इसका मतलब ये पता चल रहा है कि यहाँ देर इज़ नो सेल वॉल, वाई दे आर सेप विल बी चेंज टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और इसके चलते ये जोकर कहलाता है प्लांट किंगडम का इसके बाद आपको रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है और इसमें देखिए कि माइक्रो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये बाइनरी फीसन होगा इसमें तो एक से दो बन गया ये देखिए सिंगल था ये दो बन गया बाइनरी फीसन दो में बट गया तो दो माइक्रो प्लाज्मा बन गए या फिर बडिंग के द्वारा होगा मान लीजिए तो बडिंग में देखिए इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज बन गई हैं ठीक है ये बड़ी हो गई सेल और इसके अंदर एलिमेंट्री सेल बॉडी बन गई ये सभी एलिमेंट्री सेल बॉडी जो हैं ये बाहर निकलेंगे और बहुत सारी माइक्रो प्लाज्मा बना देंगे इस प्रकार से तो दो प्रकार से होगा आइदर बाई बडिंग आर बाई बानरीशन दैन थर्ड थर्ड प्रकार और है एक कि स्पोर लाइक बॉडी भी बन सकती हैं बाई फार्मेशन ऑफ स्पोर लाइक बॉडी या फिर बाई ग्रोथ ऑफ़ लार्ज ब्रांच फिलाेंट फिलामेंट्स भी बनेंगे ब्रांच टाइप के फिलाेंट इस प्रकार से बन जाएंगे ऐसे लंबे लंबे और उसके बाद ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे सभी फ़िलामेंट्स अलग अलग हो गए और फिर अब बाद में ये सभी एक एक माइक्रो बना लेते हैं तो इस प्रकार से हमने चार प्रकार बताया है बाइनरी फीसन और बडिंग वेरी कॉमन है और स्मॉल स्पोर लाइक बॉडीज या ब्रांच फिलामेंट बनना उसका अल्टीमेटली फ्रेगमेंटेड होना ये भी देखा गया इसके बाद ये देखिए एक डायग्राम है आपके रिप्रोडक्शन या मल्टीपिकेशन का इसमें देखिए यही है एलिमेंट्री सेल बॉडी दिख रही है प्रारंभिक में यंग सेल है एकदम फिर इंटरमीडिएट थोड़ा ग्रोथ हुई फिर लार्ज सेल बड़ी हो गई और उसके बाद बाइनरी फिशन हुआ दो भागों में बढ़ गई अब बाइनरी फिशन का मतलब विदाउट एलिमेंट्री बॉडी एलिमेंट्री बॉडी नहीं बन रही अब बडिंग हो रही है मान लीजिए इसमें या इसमें भी बडिंग हो सकती है ग्रोथ होने के बाद तो इस प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट्री सेल बॉडी बनेंगे और ये सभी एलिमेंट्री सेल बॉडी अलग होकर बहुत सारे माइक्रो बना देंगे तो इस प्रकार से बडिंग हो रही है इधर और इधर बाइनरी फिशन हो रहा है इस प्रकार से रिप्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है अब ट्रांसमिशन कैसे होता है ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि ए, डि, डिसीज प्लांट जो है मतलब रोग ग्रसित पौधा बीमार पौधा से हेल्दी प्लांट में डिसीज कैसे पहुंचेगी? मतलब स्वस्थ शरीर में कैसे ये बीमारी पहुंचती है कहाँ से रोगग्रस्त पौधे से जैसे कोरोना वायरस को ले लेते हैं आप तो कोरोना वायरस का मतलब ये है जो इन्फेक्टेड है वहाँ से स्वस्थ बॉडी में हेल्दी बॉडी में कोरोना वायरस कैसे पहुंचते हैं वही कहलाता है ट्रांसमिशन तो चाहे वायरस का ट्रांसमिशन हो बैक्टीरिया का हो या आपके माइक्रोप्लाजमा का हो मतलब कुल मिला के डिसीज से आपको पहुंचाना है कहाँ हेल्दी प्लांट में या हेल्दी पार्टनर में तो ट्रांसमिशन में देखिए बाई कस्कुटा के द्वारा होगा कस्कुटा मतलब अमरबेल के द्वारा बाई ग्राफ्टिंग के द्वारा बाई ह्यूमन बींग्स के द्वारा बाई ग्रॉसऑपर चार मेन एजेंसी हैं ट्रांसमिशन के लिए कस्कुटा मतलब अमरबेल यदि कोई कस्कुटा का पौधा किसी डिसीज प्लांट पर आश्रित है और डिसीज प्लांट की जब डेथ हो जाएगी खत्म हो जाएगा तो वो नए प्लांट को अटैक करता है तो चूँकि कस्कुटा के अंदर डिसीज प्लांट का रस आ चुका है माइक्रो तो वो माइक्रो प्लाज्मा आप फिर हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर देगा उसी प्रकार से ग्राफ्टिंग जब करते हैं आप यदि आपने कोई ऐसा ग्राफ्ट ले आया ग्राफ्टिंग करने के लिए जो कि हेल्दी प्लांट में लगाया और वो कलम जो है माइक्रोप्लाज्मा uh, से डिसीज है सफ़र कर रही है तो अल्टीमेटली आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो माइक्रोप्लाज्मा uh, से इन्फेक्टेड uh, हो जाएगी ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी ग्रॉस हॉपर के द्वारा भी इसी प्रकार से ग्रॉस हॉपर मान लीजिए हेल्दी प्लांट में पहुंचता है डिसीज प्लांट के रस को लेकर चूसते हुए तो वहाँ बैठेगा तो उसके द्वारा माइक्रोप्लाज्मा हेल्दी प्लांट में पहुँच जाएंगे मीन्स किसी भी प्रकार से डिसीज पार्टनर से हेल्दी पार्टनर में जो डिसीज पहुँचती है दैट विल कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल कैसे करेंगे अब कंट्रोल के लिए जितने भी माइक्रोब्स हैं चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो चाहे माइक्रोप्लाज्मा हो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो है प्रिवेंशन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ध्यान रहे लेकिन बीमारी हो भी जाती है तो हॉट ट्रीटमेंट दीजिए आप गर्म पानी के द्वारा या गर्म भाप के द्वारा उपचारित करिए फिर सल्फा ड्रग को स्प्रे कर सकते हैं सल्फर ड्रब को स्प्रे करेंगे खेतों में या फिर टेट्रासाइक्लिन और या ऑक्सी टेट्रा के सॉल्यूशन में इन्फेक्टेड पार्ट को आप डिप कर सकते हैं जिससे कि माइको प्लाज्मा की ग्रोथ चेक हो जाएगी नष्ट हो जाएगा और ध्यान रहे कि माइको प्लाज्मा जो हैं दे आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन के प्रति ये सुग्राही हैं टेट्रासाइक्लिन के द्वारा ट्रीटमेंट करेंगे तो माइको प्लाज्मा नष्ट हो जाएगा जबकि पेनिसिलिन के प्रति क्या है ये रेजिस्टेंट कैपेसिटी है तो क्यों ऐसा है पूछा जा सकता है तो उसमें बताना होगा कि पेनीसिलिन चूँकि सेलवाल को अटैक करता है और चूँकि यहाँ सेलवाल नहीं है तो इस प्रकार से माइक्रोप्लाज्मा पर पेनीसिलिन नामक एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि टेट्रासाइक्लिन जो है माइको की मेटाबोलिक मशीनरी को ध्वस्त करता है इसको जिसके चलते माइक्रोप्लाज्मा की ग्रोथ खत्म हो जाती है फिर से वही टिपिकल पी, -पी सेल बना दिया गया है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर देखिए फ्लूड भरा हुआ है ब्लैब में ठीक है ना फिर वैक्यूल्स हैं ग्रैन्यूल्स हैं डी एन ए हैं प्राइवोज के द्वारा तो घिरे हुए हैं ये फिर से वही जानकारी दी गई है इसके बाद ये आपको पूरा बताने के बाद ये बताया जाएगा कि कुल मिला के माइक्रो प्लाज्मा जो हैं दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर नेचर और ये आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे छोटे जीव हैं ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गिजम्स हैं और इनके विशेष लक्षण बैक्टीरिया से भी मिलते हैं और कुछ वायरस से भी मिलते हैं वायरस से ऐसे मिलते हैं कि ये साइज में वायरस के समान ही बहुत छोटे हैं और बैक्टीरिया फिल्टर को पार कर जाते हैं जबकि बैक्टीरिया से इस प्रकार से है कि ये भी सेल है प्रोकैरियोटिक टाइप की और इसके अंदर भी वही ताकत होती है जो बैक्टीरिया में होती है मतलब ये भी डिपेंडेंट uh, नहीं है इंडिपेंडेंट रूप से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं लेब में इनको कल्चर किया जा सकता है जबकि वायरस को लेब में कल्चर नहीं किया जा सकता तो इस प्रकार से आज हमने आप लोग को जानकारी दी माइकोप्लाज्मा के बारे में और कुछ विशेष कठिनाई होगी तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं थैंक्स